वो कर्ण जो सूरज की तरह चमकता था, जो शाहों का शाह था, राजाओं का राजगान था, जिसके दर से कभी कोई सवारी खाली हाथ नहीं गया, आज धूल से अटासना जमीन पर पड़ा था। सूर्यदेव अपने फर्जंद की तरफ बारंबार देखते हुए उफक पार अपने मंदिर में जा रहे थे। क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चले। जैसा मैंने अर्ज किया कि जो महाभारत की लड़ाई का वृत्तांत शुद्ध भाव से सुनता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक साल कपिला गायों की बछड़ों समेत सेवा करने का, जितना एक साल यज्ञ अनुष्ठान करने का। तो मैंने तो बस शुद्ध भाव से आपको सुनाया, अब आपने कितने शुद्ध भाव से सुना ये आपके ऊपर है।